सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो हर चैनल पे 90% लोग बोल रहे थे मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है। और यहाँ तक कि मैं भी बोल रहा था मार्केट क्रैश होने वाला है, और आज मार्केट क्रैश हुआ, बट डाउनसाइड नहीं अपसाइड हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होगा कि मार्केट सब लोग क्रैश की बात कर रहे थे, मार्केट अपसाइड चला गया? तो देखिए फ्रेंड्स, जब सभी लोग स्पेशली नॉर्मल प्लेयर्स जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, अगर वो एंटिसिपेट करें कि मार्केट डाउनसाइड जाएगा, है ना, या फिर मार्केट अपसाइड जाएगा, तो मार्केट एकदम उसका उल्टा करता है। अब जितने दोस्त लोग कल पुट बाइंग करके गए होंगे, उनका आज तो बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉप लॉस कटा होगा, या फिर बहुत बड़े बड़े लॉस लेने पड़े होंगे। सो फ्रेंड्स, इसीलिए बोलता हूं कि आपको अपना एनालिसिस करके हमेशा चलना चाहिए। ओके, मैंने खुद कल परसों बोला था कि मार्केट क्रैश हो सकता है, बट डेफिनेटली आज मैंने कॉल करके बढ़िया प्रॉफिट बनाया, बिकॉज जिस साइड मार्केट जाएगा उस साइड हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रेड करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को मैं टेलीग्राम पे फ्री में अपडेट करता हूं, तो आप डेफिनेटली फ्री टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, यूएस में क्या होता है, 26 अगस्त को एक पॉलिसी मेकर्स की मीटिंग होती है जैक्सन होल। उसमें फेड के जो चीफ हैं वो क्या बोलते हैं कि वो लोग इंटरेस्ट रेट को हाई कर सकते हैं फ्यूचर में, जिससे कि जो इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उससे वो लोग टैकल कर सके, है ना। अब देखिए, इस 8 मिनट की न्यूज से इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि यूएस के जो बहुत वेल्दी पीपल है उनका $75 बिलियन का लॉस हुआ, और डेफिनेटली यूएस मार्केट क्रैश हुआ। फिर से इंडियन मार्केट भी अगर आप जाके देखेंगे तो 2.5% का कल हम लोगों को गैप डाउन ओपनिंग दिखाया था। सो ये हाइप बन गई थी कि मार्केट गैप डाउन होगा, मार्केट क्रैश होने वाला है, ये लेवल वो लेवल, बट आज मार्केट ने अपसाइड की रैली दिखाई। तो क्या रियल में क्रैश आने वाला है, आज की वीडियो में हम लोग डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। अभी के लिए आप मान के चलिए कि कोई भी क्रैश नहीं आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करेंगे तो स्ट्रेट हम लोग को 0.5% की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सीधे 2.5% की एक स्ट्रेट रैली दिखाया है। अब यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, एक चीज आपको और समझना पड़ेगा, अगर एक्सपायरी से पहले मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट दिखाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपायरी के पहले बढ़िया डाउन साइड की रैली दिखाया, तो मैक्सिमम चांसेस होती है कि एक्सपायरी या फिर एक्सपायरी के एक दिन पहले स्पेशली आपको बड़ी अपसाइड की शॉर्ट कवरिंग में मूवमेंट देखने को मिले। और आज बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की मूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिली है। अब अगर आप देखेंगे तो हर लेवल पे कॉल राइटर्स बैठे थे और हर जगह उनका स्टॉप लॉस काटा गया है, 17,450 पे, 17,500 के लेवल पे, 17,550 के लेवल पे, 17,600-650 के लेवल पे, 17,700 के लेवल पे भी स्टॉप लॉस काटा गया, यहां तक कि 17,800 वाले कॉल राइटर्स का भी स्टॉप लॉस काटा गया है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ले चलूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पहले लाइन कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रही थी अराउंड 17,700, अब डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, और एक ह्यूज सूटअप देखने को मिला है। एक बार मैं आपको डेली में भी कंफर्म करा देता हूँ। एक चीज और दोस्तों, देखिए ये जो वीडियो है ना, ये आपको पूरे अगले वीक का और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का एक ओवरव्यू देने वाली है। सो जब तक आपका निफ्टी 17,900 से 18,000 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम लोग अपसाइड का भी मोमेंटम नहीं मान के चल सकते हैं। और साथ में जब तक निफ्टी 17,100 के नीचे क्रॉस नहीं करता है, क्या बोला मैंने, 17,100 के नीचे जब तक क्रॉस नहीं करेगा, तब तक कोई भी क्रैश की बात आप नहीं कर सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई आज की और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपायरी की। सो फ्रेंड्स, कल है गणेश चतुर्थी, तो मेरे साइड से और मेरी पूरी टीम के साइड से सभी सब्सक्राइबर लोगों को, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन एंड टू ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ओके, अब अगर हम लोग बात करेंगे एक्सपायरी के दिन, मतलब थर्सडे की, तो ये एक लेवल था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था 17,700 का, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज तो तय है कि एक्सपायरी के दिन धमाका तो होने वाला है, अपसाइड होगा या फिर डाउनसाइड होगा वो तो थोड़ा सा यूएस मार्केट क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा, बट इतना तो पक्का है कि बड़ी मूवमेंट हम लोग एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगी। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका निफ्टी 17,700 के लेवल को नीचे डाउनसाइड में क्रॉस करता है, क्या बोला मैंने, 17,700 के नीचे क्रॉस करता है, आपको तुरंत पुट बाइंग करनी है। 17,600 का पहला टारगेट, 17,500 का दूसरा टारगेट हम लोग रखने वाले हैं। दो टारगेट हैं, बहुत बड़े हैं, और अगर आपने पहला टारगेट भी अचीव कर लिया और अगर आपने एटीएम की पुट भी ले ली, अगर मार्केट डाउन साइड आएगा, आप बहुत बड़े रिटर्न बनाने वाले हैं। जब भी पहला टारगेट अचीव होगा, एकदम मतलब श्योर शॉट होना चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करें। टेलीग्राम पे मैं आपको डेफिनेटली उस दिन लाइव रहने वाला हूं, सभी चीजें मैं आपको अपडेट करूंगा, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। और स्टॉप लॉस आपका होने वाला है 17,760 के पास। वहीं पे फ्रेंड्स, मार्केट अगर 17,790 के लेवल को क्रॉस करता है, जो कि लगभग आज का हाई दिखता है, तो आपको पहला टारगेट रखना होगा 17,840 के पास, और सेकंड टारगेट आप रखने वाले हैं 17,900 के पास। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे एक छोटा सा स्विंग लो अराउंड 17,740।
एक चीज और, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। जितने लोग स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करेंगे, जैसे कि कुछ लोग आज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग किए होंगे, पुट की पोजीशन ले गए होंगे और मे बी उन्होंने पोजीशन ना काटी हो, तो देख सकते हैं कि आप कितना बड़ा लॉस उनका हुआ होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर आप बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखेंगे तो एकदम आइडेंटिकल है निफ्टी की तरीके से। हम लोग को एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अगर आप मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं लगभग 0.5%, उसके बाद सीधे अपसाइड की रैली दिखाया और सबसे बढ़िया सपोर्ट निफ्टी बैंक को मिला है, केवल एक बैंक से, जो कि सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है निफ्टी बैंक में, वो है HDFC बैंक। अगर मैं आपको HDFC बैंक दिखाऊं तो आज बहुत बढ़िया अपसाइड की रैली देखने को मिली है। देखिए पूरा रैली किया है और इसने बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह जितने लोग कॉल राइटिंग करके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस बढ़िया तरीके से काटा गया है और हर लेवल पे स्टॉप लॉस कटा है। और मार्केट की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस के पास देखने को मिलती है, अराउंड 39,600 की हाई के पास। सो देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़े प्रॉफिट्स बन सकते हैं अगर आपका बैंक निफ्टी 39,500 के नीचे क्रॉस करता है। 490 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा, 10 पॉइंट का बफर रखने वाले हैं, 500 के नीचे 490 पे आप ट्रेड लेंगे, पहला टारगेट आपका क्या होगा? पहला टारगेट हम लोगों का होगा 39,280 के पास, और सेकेंड टारगेट हम लोग रखने वाले हैं 39,000 का, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस आप रखने वाले हैं स्विंग हाई अराउंड 39,610 के पास। वहीं पे अगर मार्केट आज के हाई को क्रॉस करता है 39,625 या फिर 30 के ऊपर, जैसे ही क्रॉस करेगा आप तुरंत बाइंग कीजिएगा। क्या लेवल मैंने बोला? 39,625 या फिर 630, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ 630 के पास पहला टारगेट आप रखेंगे, 39,750 के पास, और सेकेंड टारगेट आप रखने वाले हैं 39,900 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी सेम टू सेम एक स्विंग लो रखने वाले हैं 39,480 के पास। एक चीज़ और फ्रेंड्स, देखिए जिस साइड भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, मार्केट अगर डाउनसाइड जाएगा, बिकॉज चांसेस ज़्यादा है डाउनसाइड जाए एक्सपायरी के दिन, तो आप पुट बाइंग करके बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ तक आपको डेफिनेटली 39,220 का लेवल टच होते हुए दिखेगा अगर 39,480-490 का लेवल ब्रेक होता है तो, है ना। और फ्रेंड्स, हम लोगों का नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 4 सितंबर से। तो जितने लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर, एज अ सोर्स ऑफ इनकम या फिर एज अ प्रोफेशन ट्रीट करते हैं, और अगर ट्रेडिंग में एक सही तरीके से सीख के पैसा बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारे कोर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको फ्रॉम एब्सोल्युटली बेसिक्स टू एब्सोल्युटली एडवांस स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। हम लोग लाइव भी आते हैं जिससे कि आपकी क्वेरीज ली जाएँ, रिकॉर्डिंग भी मिलती हैं, स्ट्रैटजी, स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करने हैं, ऑप्शंस में कैसे आप पैसे बना सकते हैं, ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, सभी चीज़ें हम लोग एकदम डिटेल में कवर करते हैं। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 500 लाइक्स, सभी लोग 4 लोगों को वीडियो शेयर करेंगे, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।